आज की वीडियो में हम बताएंगे पुनर्नवारिष्ट सिरप के क्या फ़ायदे हैं। पुनर्नवारिष्ट सिरप बहुत सारी कंपनियों में आपको उपलब्ध हो जाता है। यह बैद्यनाथ, पतंजलि और अन्य कंपनियों में भी आपको उपलब्ध हो जाता है। जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स यानी अवयवों के बारे में। इसके अंदर पाए जाते हैं पुनर्नवा, बाला, गिलोय, सुगंधबाला, मरीचा, जैगरी यानी गुड़। अब जान लेते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपको लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है तो यह उसमें बहुत ही लाभप्रद है। अगर खाना खाते ही आपका पेट फूल जाता है, भूख आपको खुलकर नहीं लगती है, उल्टी का मन रहता है, गले में जलन रहती है, छाती में जलन रहती है, गैस बनती है, खाना नहीं पचता है या फिर आपको पीलिया हो गया है, चाहे कितना भी भयानक या कितना भी गंभीर क्यों ना हो, तब यह उसमें बहुत ही लाभप्रद होती है। कुछ जगह हेपेटाइटिस में भी इसका बहुत ही सफल परीक्षण किया गया है। लीवर के साथ यह गुर्दे में भी बहुत ही लाभकारी है। अगर आपको गुर्दे से संबंधित कोई भी बीमारी है तो इसका उपयोग करने से उससे छुटकारा मिल जाता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है, हाथ में, पैर में या फिर पूरी ही बॉडी में आपकी सूजन है और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, सूजन से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको पथरी है और इसका लगातार आप सेवन करते हैं तो पथरी भी कटकर और घुलकर पेशाब के रास्ते से निकल जाती है। बात कर लेते हैं इसकी डोज की, यानी कितनी मात्रा में आपको इसे लेना है। अगर आपकी उम्र 10 साल से कम है तब आपको एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी उम्र 10 साल से 16 साल के बीच में है तो दो चम्मच सुबह, दो चम्मच शाम में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 16 साल से अधिक है तो चार चम्मच सुबह, चार चम्मच शाम में आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 3 महीने तक आप इसका कोर्स करते हैं, 3 महीने तक आप इस दवाई को लगातार लेते हैं तो चाहे लीवर की कोई भी समस्या क्यों ना हो, चाहे गुर्दे की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आपको उससे जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।